नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भोपाल की बात करेंगे जहां पर ऑक्सीजन के लिए लोगों की लंबी कतार देखी जा रही है। वहां से और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता रवीश पाल सिंह। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इन दिनों ऑक्सीजन की जबरदस्त मांग है। हालात ये हैं कि अस्पतालों में बेड फुल हो गए हैं, तो वहीं रोजाना सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां ऑक्सीजन प्लांट्स की ओर दौड़ रही हैं। लोग जैसे तैसे करके जतन करके ऑक्सीजन अपने परिजनों के लिए लेके पहुंच रहे हैं। भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में मौजूद है जहां सुबह से ही लोग ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके पहुंचे हुए हैं, और यहां पे आप देखिए तो लंबी कतार लगी हुई है लोगों की ऑक्सीजन लेने के लिए। ये आप तस्वीरों में देखिए, ये कार से ऑक्सीजन के दो सिलेंडर उतार रहे हैं। ऐसे ही कई लोग हैं जो लगातार ऑक्सीजन की किल्लत से परेशान हैं और खुद ही अपने परिजनों के लिए ऑक्सीजन का जुगाड़ करने सुबह से प्लांट्स के बाहर पहुंच जाते हैं। इनसे भी हम बात करते हैं। ये खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आप देखे जा रहे हैं, और ये तस्वीरें हैरान करती हैं क्योंकि ये कहीं दूर दराज की नहीं बल्कि राजधानी भोपाल की तस्वीरें हैं जहां पे सुबह से इन लोगों को ऑक्सीजन लेने पहुंचना पड़ रहा है। भैया, कितने सिलेंडर आप लोग लेने आए हैं? दो सिलेंडर। किन के लिए? मम्मी की तबीयत खराब है इसलिए। तो आप देखिए कि ये स्थिति है, इनको यहाँ से खुद ही ये ऑक्सीजन के सिलेंडर जो है धगाते हुए आगे तक ले जाना है। और ये जो ऑक्सीजन प्लांट है भोपाल का जहाँ पे ये ऑक्सीजन सिलेंडर में फिल होनी है, वहां तक इनको ये लेकर के जाना पड़ रहा है। इसी के साथ यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर कुछ और खबरों के साथ। देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूँ अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।